फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना कोई सा भी टेस्ट कैसे याद कर सकते हैं, उर्दू हो, मैथ्स हो या इंग्लिश। मैं टू आपको बताऊंगी कि मैथ्स और इंग्लिश कैसे होगा, तो उर्दू तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डस्टर ले लेती हूँ। मैंने अपना डस्टर भी ले लिया है। तो पहले हम आपको कितने खुल रहा है मेरा। टू से लेके 3 तक टेबल याद करना सिखाएंगे। और इंग्लिश का पहले हम मैथ का कर लेते हैं। ठीक है, याद करना। ठीक है, पहले मैं ये टेबल उतार लेती हूँ। ये मैंने सारे 2 2 उतार लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं 9 हो गए। ठीक है, अब हमें 10, ठीक है, कि मैंने लिख लिया है। अब हम इसी कर डालेंगे। ये मैं आपको, अब मैं लिखती हूँ, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है, मैंने 2 का टेबल लिख लिया है। अब हमें इसको याद कैसे करना है। ठीक है, ये हम ऐसे याद करेंगे। पहले तो हम इसको अच्छी तरह हम इसको देख लेंगे, जैसे हम इसको व्यू करेंगे फुल ऊपर से लेके ए से लेके जेड तक, कहते हैं ना, वो हम इसको व्यू कर लेंगे। फिर तो उसके बाद सुबह के टाइम जिस वक्त सन्नाटा होता, उस वक्त हम बैठेंगे और अपनी तेज़ आवाज़ में टेबल पढ़ेंगे। या फिर आपका कोई सा भी उर्दू का क्वेश्चन हो या अगर इंग्लिश का क्वेश्चन हो, वो आपको पढ़ना है। तो वो जब आवाज़ गूंज के वापस हमारे कानों तक पहुँचेगी, तो 3 4 बार आप ये करेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। और एक तो हम इसको, ये तो बहुत इजी है, हम इसको 2 2 2 2 प्लस करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, याद होना चाहिए हमें। ठीक है, ये 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ठीक है, हमें ये ऐसे याद करना है जब आवाज़ गूंज के आएगी। ठीक है, ये हम एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। रात के टाइम जो भी टाइम आप फारिग हो, अपनी कॉपी पे लिखा हुआ होगा या फिर किसी में भी लिखा हुआ होगा जिससे आप याद कर रहे हो, तो उस कॉपी को हम खोलेंगे और एक रफ कॉपी में उतार लेंगे, देखे बगैर, मेरा मतलब देख के। ये जैसे 3 का टेबल हो, 10 का टेबल हो, 9 का टेबल हो, उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक दफ़ा फुल पढ़ेंगे, फिर हल्के हल्के कॉपी बंद करेंगे, खोलेंगे, तो हमें उससे याद हो जाएगा। और हम समझ के पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर 3 का टेबल उतारती हूँ। मैंने 10 उतार लिए हैं।
मैं 3 का टेबल लिखूं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। और आज की पहले हम डेट और डे डालते हैं। हाय डेट, ये मैंने टेबल उतार दिया है, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इधर हम लिख देंगे, हमने लिख तो दिया था हमारा, हम इधर लिखेंगे 21, अब इधर हम लिखेंगे 24, 27, हाँ ठीक है, अब हम लिख देंगे वही इसके सेम टू सेम वो सेम टू सेम वो है जैसे हमने वो याद किया था, सही है। ये अब हम उसी तरीके से याद करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था अगर हम दिल लगा के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये 3 1 3, 3 2 6, 3 3 3 3 3 3, नहीं मैंने गलत किया, 9 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ओके, अब हम इसको रफ करते हैं। अब मैं इंग्लिश का एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे यूँ ही मेरे दिमाग में सवाल आया तो मैं उसको यहाँ पर उतार देती हूँ। ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई होगी तो मुझे इतनी सही स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अब इसका जवाब है जो भी आपके पापा हो लिख सकते हैं, डॉक्टर हो वो कुछ भी हो, तो मैंने इधर अपनी टीचर लिख दिया है, ठीक है, मैंने टीचर लिख दिया। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, पहले तो हम इसको इसके वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे, वॉट डब्ल्यू एच ए टी, वॉट इज आई एस इज फादर, एफ ए टी एच ई आर फादर, प्रोफेशनल पी आर ओ एफ ई एस एस आई ओ एल प्रोफेशनल, my 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 is teacher, I my father, sorry इधर हम profession लिखेंगे, profession किस तरह से मुझे और ये ना होता आप देख लीजिए, ठीक है, माय फादर ठीक है, मेरे फादर टीचर हैं, जस्ट लाइक। तो ये अगर आपको आपके पापा जो भी हो तो आप लिख सकते हैं, इसका भी वो ही हमारा
सॉल्यूशन है कि सुबह उठ के या दोपहर में जिस वक्त हमारे घर में सन्नाटा हो, बाहर हमारी गली या रोड में ट्रैफिक जाम ना हो, उस वक्त आप अपनी छत पे गैलरी हो उसमें बैठ के याद कर सकते हैं ये, या फिर आप बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह हो, घर में ही, कहीं बाहर नहीं चले जाइएगा आप लोग, ठीक है, इधर आप बैठ के याद कर सकते हैं। और समझ के दिल से याद करिएगा तो होंगे, लेकिन उस तरकीब से भी याद नहीं होंगे। रट्टा फिकेशन तो नहीं करिएगा, क्योंकि रट्टा फिकेशन तो बहुत जल्दी ही निकल जाता है दिमाग से। और आपको समझ के जब तक आपकी एग्जाम्स ना हो आपको याद रखना है, तो आप ये या आप सॉल्यूशन इस्तेमाल कीजिएगा, वरना अगर आपको रट्टा फिकेशन लगाना हो तो आप करके लगा लिएगा रट्टा, ठीक है। अब इस चैनल को आपको लाजमी से क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, लाइक, और क्या करना है, कमेंट करनी है। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए कमेंट एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया। अगर आपके दोस्तों को रट्टा लगाने का शौक नहीं है, समझ के पढ़ने का शौक है, तो उनको भी ये वीडियो भेजिएगा और उनको भी बोलिएगा इस वीडियो को लाइक करने। मेरी बैक आनी चाहिए इसलिए मैंने ये लाइक बनाया है, लाइक, सब्सक्राइब की बेल को आपको ग्रे कर देना है। ये मैंने पहले वाइट था यानी सब्सक्राइब नहीं था, तो इसको ब्लैक कर दूंगी, तो ये सब्सक्राइब कर देना है आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स नीचे होता है, ठीक है, शेयर शेयर बीच में होता है लाइक के बटन के, उधर से आपको मेरी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये समझ ना आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वापस इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।